बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द ओपन विंडो बाय एचएच मुनरो। सो बिफोर गोइंग टू डिटेल्स ऑफ द चैप्टर, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। एचएच मुनरो, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ हेक्टर ह्यू मुनरो, वाज बोर्न इन 1870s एंड डाइड इन 1916। He used to write with his pen name Saki। So Hector Hugh Munro जो हैं बेटे, ये basically British novelist हैं and इनको आप story writer भी कह सकते हैं। और इनका pen name जो है कलमी नाम Saki था, ठीक है। और ये बर्मा में पैदा हुए थे जब British का दौर था यहाँ पर। तो इनके father चूँकि British army और police, you can say that, उसके अंदर serve करते थे, तो उनकी birth यहीं पर थी। और इनकी अगर आप बात करें कि किस वजह से मशहूर थे, तो बेसिकली अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से मशहूर थे। उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना चाहूँगी। एक्सेंट्रिक विट आपको मिलता है इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। एक्सेंट्रिक विट क्या होती है कि आपके पास एक्सेंट्रिक विट, यानी कि आप कह सकते हैं इसको अनकन्वेंशनल या स्ट्रेंज काइंड ऑफ कीन इंटेलिजेंस, या एकदम से ऐसी चीज़ जो आपको नॉर्मली आम लोगों में नहीं मिलेगी, यानी कि स्ट्रेंज है इनके अंदर। क्विकली ये ह्यूमर जनरेट करने के अंदर और स्ट्रेंज वे के अंदर ह्यूमर जनरेट करने के अंदर ये मलका रखते हैं। और ह्यूमर जैसे मैंने विट का बता दिया, तो ह्यूमर तो इनकी स्टोरीज़ में आपको काफ़ी मिलेगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ इनकी स्टोरीज़ में मिलती है, दैट इज़ मकाबर। मकाबर क्या है आपके पास? बेसिकली इट्स डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग, जो कि किसी भी खौफ या मौत के खौफ की वजह से जो पैदा होती है, जो कि आपको कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस और इस तरह की फीलिंग आपको ह्यूमर के अंदाज के अंदर इस स्टोरी के अंदर भी नज़र आएगी, स्ट्रेंज वे के अंदर जो हम ओपन विंडो पढ़ेंगे। और पंजेंसी, कंप्रेशन और पंजेंसी बहुत मिलती है। पंजेंसी यानी कि एक शार्पनेस, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग अरोमा, यानी कि पिंचिंग, बहुत छुपती हुई जो चीज़ होती है, वो भी आपको उनकी स्टोरीज़ के अंदर मिलेंगी। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज, इनके करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए हैं, ये 1904 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। और इनकी डेथ जो है, जब भी 43 ईयर्स के थे, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अर्सा लड़ते भी रहे हैं। और फ्रांस के अंदर आखिरकार किसी एक स्नाइपर की जो है ना गोली से इनकी डेथ हो गई थी। और उनकी कब्र अभी तक मालूम नहीं है कहाँ है। जो शहदा हैं उस जंग के, उसके साथ ही इनकी कब्र बना दी गई थी, यानी कि एक मोनूमेंट सा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने जो है ना अपनी खिदमात पेश की थी। हालांकि ये ओवर एज थे, लेकिन इन्होंने एक आम सिपाही के तौर पे ये लड़े थे। इससे पहले स्टार्ट ऑफ द करियर में अपने फादर की तरह इन्होंने ब्रिटिश पुलिस को भी सर्व करने की कोशिश की। कुछ अर्सा यहाँ पे हिंदुस्तान में डिप्लॉय भी रहे हैं बरसगीर में, बट ये है कि कुछ यहाँ का माहौल को सूट नहीं किया और वहाँ वापस चले गए थे। और फिर उन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने अपना पेन नेम साकी और बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने अपना जो है ना लिटरेरी खिदमात जो है पेश की है। तो बेसिकली जो ओपन विंडो अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये एक एक्सेलेंट एग्जांपल है, जिसमें कंप्रेशन भी आपको मिलेगा, पंजेंसी भी मिलेगी, ऑथर का जो एक टिपिकल स्टाइल है। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी, लाइक तीन करेक्टर जो इस स्टोरी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक नीस है भतीजी एक लड़की की, ठीक है, और लड़की। और दूसरी बात यह है मिसेस सैपलटन की, वो भतीजी होगी, ठीक है। तो मिसेस सैपलटन के बारे में और फ्रैम्पटन नटल जो है, जिसके बारे में ये स्टोरी है, तो और उसकी भी आप बातें देखेंगे। तो ये आपको तीनों करेक्टर्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएंगे, और ऑथर इसको अपने स्टाइल के अंदर जो है ना पोर्ट्रे करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try to put up with me. Frampton Nuttall endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits or a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice.
जी, तो ये कुछ तीन पैराग्राफ्स मैंने बेटे आपके सामने रीड आउट किए हैं, तो आप इसको वन बाय वन देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी करने की कोशिश करते हैं और साथ में मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग भी तलाश करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जुमले का आगाज होता है कि मिस्टर नटल माय आंट विल बी प्रेजेंट, यानी कि थोड़ी देर में मेरी आंटी या मेरी खाला नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भांजी या भतीजी हो सकती हैं, अगर हम खाला का कर रहे हैं तो ये यकीनन भांजी होंगी, ठीक है। तो पहले क्या कह रही हैं, मिस्टर नटल मेरी खाला अभी नीचे आ जाएंगी, ठीक है, यानी यकीनन वो ऊपर वाली मंजिल पे होंगी, ठीक है। और किसने कहा, सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15, 15 साल की एक बहुत मुतमईन और अपने जोम में और अपने आप में रहने वाली बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची ने। तो यहाँ पे सेल्फ पोजेस्ड मीन मुतमईन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे क्या कह रही हैं, देखिए जो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास भी के अंदर होते हैं वो किसी की बंदे की स्पीच होती है, ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्पीच वो दे रहा होता है। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई टू पुट अप विद मी, ये अक्सर हम जुमला तब कहते हैं कि आपको तब तक मेरे से गुजारा करना पड़ेगा, यानी मेरे साथ वक्त गुजारने की कोशिश करनी पड़ेगी जब तक मेरी आंटी नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। तो मीन टाइम, इस दौरान, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर फ्रैंकलिन नटल जो है एंडेवर टू से द करेक्ट समथिंग। अब यहाँ पे मुश्किल मीनिंग देख लीजिए बेटे, एंडेवर का मतलब है कोशिश करना। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम फॉर्मेलिटी में कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं, अगला बंदा खुश हो, अच्छा माहौल क्रिएट हो, जस्ट फ्लैटर, यानी कि तो इन्होंने भी यहाँ पे यही किया कि फ्रैम्पटन नटल ने भी उस छोटी सी भांजी को खुश करने के लिए, ठीक है, या चापलूसी तो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना होता है, ठीक है, खुशामद करना होता है, लेकिन खुश करना, खुशामद का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग यही होता है ना अल्टीमेटली कि अगले बंदे का खुश करना चाहते हैं। तो ये भी फ्रैम्पटन नटल ने भी कोशिश की, यानी आप हमें यह जाहिर हो रहा है कि लड़की जो है वो मेज़बान है, वो उस घर में मौजूद है और फ्रैम्पटन नटल बाहर से आए हैं, ठीक है। वो कह रही है कि मेरी आंटी जो है अभी नीचे आ जाएंगी, तब तक आप मेरे से बात करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे क्या कोशिश की है, फ्रैम्पटन नटल ने भी कोशिश की है कि वो लड़की को खुश कर सके, ठीक है, और विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग, अनड्यूली मीन नाजायज़, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में नाजायज़ बात करने की ज़रूरत नहीं थी आंटी की, कोई ऐसी बात ना करे और लड़की को खुश कर दे। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा बनेगा कि फ्रैम्पटन नटल ने कोई अच्छी बात कहने की कोशिश की और इसी लम्बे ताकि भांजी खुश हो जाए और खाला के जो अदब आदाब हैं उनमें भी कोई डिस्काउंट यानी कमी ना है, ठीक है, जिन्होंने अभी नीचे आना है। और प्राइवेटली ही इज़ डाउटेड मोर देन एवर और वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑन अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टू वर्ड्स। अच्छा, अब क्या था कि ये जहनी कुछ दबाव का शिकार था, शहर में रहता था तो नफसियाती तौर पे आप कह सकते हैं इसको कि जहनी तौर पे दबाव का जो एसाबी कमजोरी या कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं उसका ये शिकार था, यानी एसाब से इतने मजबूत नहीं थे, शहरी तनाव से तंग आकर ये इसको डॉक्टर नर्स की सिस्टर ने कहा कि तुम देहाती इलाके में अपनी आबोहवा तब्दील करने के लिए जाओ। और इसकी सिस्टर ने चूंकि ये जानती थी कि इसका भाई ज़्यादा बातचीत नहीं करता और जाहिर सी बात अकेला रह के इंसान और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसने कुछ तारफी खतूत दिए थे कि वहाँ पे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, तुम उनसे बातचीत कर लेना ताकि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सही सॉर्ट आउट हो सके। तो अभी ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया, इसी बैकग्राउंड के मद्देनज़र अब यहाँ पे नेक्स्ट वो अपने दिमाग में, मतलब वो सोच रहा है कि उसको शक भी हो रहा है, डाउटेड, यानी शक कर रहा है कि क्या वाकई ही इस तरह के जो है ना फॉर्मल दूसरों से विजिट करने से स्ट्रेंजर के साथ, यानी कि स्ट्रेंजर आपको पता है कि बिल्कुल ही ऐसा बंदा जो अजनबी हो, उससे रस्मी सी गुफ्तगू शनीद से बातें करने से क्या मेरा जहनी तनाव ख़त्म हो जाएगा। तो उसको भी शक था, इसको इस बात पर यकीन नहीं था, ठीक है, तो अभी तक उसको अंदर ही अंदर इस बात पे बिलीव नहीं था कि इस तरह करने से उसको कोई फ़ायदा भी हासिल होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देखने, सक्सेशन यानी कि सिलसिलावार, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी, ठीक है, उसको कोई नर्व की और उसको हेल्प कर सकेंगे कि नहीं, तो अभी शक में था। तो इसके बाद आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है, हिज सिस्टर हैड सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट, जब वो वहाँ से हिजरत करना टू द रूरल रिट्रीट, ये सारे मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो माइग्रेट, हिजरत करना, ठीक है, रूरल में देहाती, रिट्रीट में जाए पना, जाहिर सी बात है वो शहरी भीड़ भाड़ से और एसाबी तनाव से भाग के तो गांव में आया, तो जाए पना ही तलाश करने आया ना, ठीक है। तो उसकी सिस्टर ने कहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें मैं तैयार कर रही हूँ, तुम हिजरत कर रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो देहात में, ठीक है, अपने पीस ऑफ माइंड को तलाश करने के लिए, तो तुम वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल ही दफन कर दोगे, तनहा हो जाओगे, मुझे पता है तुम किसी ज़ीरू से, लिविंग सोल यानी ज़ीरू, ठीक है, ज़िंदा इंसान को भी किसी तुम बात करना पसंद नहीं करोगे और इससे तुम्हारा जो है ज़हनी अज़ियत मज़ीद जो परेशान हो जाओगे और घुट घुट कर और उदास हो जाओगे, मज़ीद अंदर
दिल ही दिल के अंदर परेशान हो जाओगे। तो मैं इसलिए तुम्हें इस चीज़ से रोकने के लिए मैं क्या देना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ लोगों का जो है उनके लिए मैं तुम्हें तारीफी खतूत देना चाह रही हूँ ताकि वो तुम्हें पहचान लें और मैं तुम उनको पहचान लो। और कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो कि वहाँ पे क्वाइट नाइस यानी बहुत नफीस बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ से अब आपको कुछ आइडिया हो गया है सिचुएशन का कि क्या सिचुएशन है। पहले बता रहे हैं कि आपके पास एक मिस्टर नटल हैं, ठीक है, वो देहात में आए हैं, उनको कोई ज़हनी असाबी तनाव का शिकार हैं, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी है। और अभी बहुत से लोगों के घर उन्होंने विज़िट करना था तो एक घर में अभी वो आए हैं जिनका नाम जो है वो अभी रिवील होगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो एक लड़की से उनकी बातचीत हो रही है जो 15 साल की एक बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची है, ठीक है। और जिस तरीके से फॉर्मेलिटी में उसको कुछ करने की कोशिश करें जब तक उसकी आंटी नीचे नहीं आ जाती। और बैकग्राउंड में भी हमें बता दिया गया है कि ये नहीं जानते उन औरत को जिनके घर ही आए हैं या इस बच्ची को नहीं जानते, इनकी सिस्टर ने जस्ट इनको तारीफी खतूत दिए हैं और जस्ट ये अपनी बीमारी दूर करना और लोगों से गुफ्तगू शनीद करना उसके लिए आए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये शक में मुबतला हैं कि इस तरीके से स्ट्रेंजर से किसी अजनबी से बात करके क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी कि नहीं। तो अभी तक यहाँ तक चैप्टर में यही बताया गया, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं बच्चे, आगे देखते हैं राइटर क्या कहते हैं। Frampton wondered whether Mrs. Suppleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब यहाँ पे Frampton जो है, अब वो तीसरी जो खातून है, किरदार है, जिनके घर में आए हैं, उनका नाम भी यहाँ पे रिवील हो गया, ठीक है। तो Frampton जो है वो हैरान हो रहा है, wonder यानी हैरान हो रहा है कि whether के आया कि वो जिन खातून यानी मिसेस Suppleton के घर आया है वो जिनको वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यानी वो तारीफ़ी खत देगा वो तो नाइस डिवीजन में आती है यानी अच्छे लोगों के फहरिस्त में आएंगी। और डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क्ड नीस व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, यानी जब लड़की जो है काफ़ी तेज़ और शार्प माइंडेड थी, इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि उसने खुद ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे लोगों को जानते हैं, किसी एक को जानते हैं या बहुत से लोगों को जानते हैं। ये उसने तभी पूछा या भी उसको आइडिया हो गया कि काफ़ी देर खामोशी, देखिए जब कोई भी इंसान मेहमान जाता है किसी के घर तो काफ़ी देर खामोशी तो ऑकवर्ड सा मोमेंट होता है, उसको तोड़ने के लिए हम इधर उधर की बातें करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट 15 साल की बच्ची है लेकिन उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ये बातें की, सफिशेंट यानी काफ़ी बहुत देर साइलेंट यानी खामोशी गुफ्तगू में जब खामोशी का काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया तो उसने खुद ही क्वेश्चन कर लिया कि आप यहाँ पर जानते हैं किसी को। तो फिर उसने क्या जवाब दिया मिस्टर Frampton ने, हार्डली अ सोल, बमुश्किल ही किसी एक को मैं जानता हूँ। सेड Frampton, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर एट द रेक्ट्री यू नो सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर। तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरी बहन जो है कुछ 4 साल पहले रेक्ट्री यानी पादरी की जो रिहायशगाह है वहाँ पे तकरीबन 4 साल पहले रहती थी, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ तारीफ़ी खतूत दी हैं, कुछ लोगों को यहाँ से मिलने के लिए कहा है, ठीक है। और ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, तो काफ़ी उसने नुमाया उसकी बातों में काफ़ी नुमाया जो आखिरी उसने बात की कि मैं किसी को नहीं जानता और मतलब यहाँ पे मैं लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ मुझे पता नहीं है, तो ये बात उसने काफ़ी नुमाया अफसोस के साथ ये बात कही। तो ये चीज़ जो है ये अब देखें कि बच्ची जो है काफ़ी नोट करेगी और नेक्स्ट आगे क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परसूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, फ़ौरन ही लड़की ने फ़ौरन से जवाब दिया और कहा कि क्या आप मेरी आंट के बारे में फिर तो कुछ नहीं जानते होंगे ना, ठीक है, मेरी आंटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स देख लीजिए, प्रैक्टिकली यानी कि हकीकतन आप मेरी प्रैक्टिकली हकीकतन अमली तौर पर वाकई आप मेरी खाला के बारे में कुछ नहीं जानते। परसूट का मतलब होता है बेटे मज़ीद कहना, यानी पहले से वो बात कर रही थी, ठीक है, उसने बात शुरू की थी और उसके बाद मजीद उसने बात को जारी रखते हुए कहा कि आप तो कुछ नहीं जानते, यानी उसे कंफर्म कर लिया, अब आगे वो क्या करेगी देखिएगा। अच्छा जी, अब फिर आगे मिस्टर Frampton, सॉरी जी, तो फिर बेटे मिस्टर Frampton नर्सल जो है उनका जवाब क्या होगा, उनको यहाँ पे कॉलर कह के बुलाया जा रहा है क्योंकि आने वाले वही थे घर में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ओनली हर नेम एंड एड्रेस, मैं सिर्फ उनका नाम और पता जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। He was wondered whether Mrs. Suppleton was married or widowed. वो भी हैरान ही हो रहा था दिल ही दिल में कि वो उनके हस्बैंड जिंदा हैं, वो शादीशुदा हैं या फिर वो बेवा हैं, widowed बेवा, ठीक है। और an indefinable यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल थी क्योंकि कमरे को देख के लग रहा था कि यहाँ पे कोई मर्दाना लोग भी रहते हैं, ठीक है। indefinable जिसको डिफाइन ना किया जा सके, गैर यकीनी सूरत हाल, ठीक है, कमरे को देख के कि यहाँ पे मैस्किन यानी मर्दाना
मैस्कुलिन मर्दाना हैबिटेशन यानी रिहाइश, यानी कि कुछ मर्द लोग भी रहते हैं कुछ इस तरह की, उनको पता चल जाता है ना कि जिन घरों में लड़के रहते हैं तो वहाँ पे कुछ कपड़े या कुछ जूते या कुछ चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जो कि पता चलता है कि यहाँ पे कोई लड़के वगैरह रहते हैं। तो उनको लग रहा था कि उनको समझ नहीं आई थी कि शादीशुदा हैं और बेवा हैं, इनके हस्बैंड जिंदा है कि मर गए, उनको नहीं आइडिया था। तो अब जो है आगे क्या होगा, हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago, said the child, यानी वो बच्ची ने कहा कि उनकी जो है ना बहुत बड़ी ट्रेजिडी यानी अलमिया और सानिहा जो है उनके ऊपर जो गुजरा है वो कुछ 3 साल पहले गुजरा है, आपकी बहन के जाने के बाद ही ये वाकया हुई, यानी ये कन्फर्म करिए कि अब आपकी बहन उस टाइम यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। हर ट्रेजिडी आस्क फ्रैम्पटन, उनका अलमिया फ्रैम्पटन ने पूछा, सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजिडी सीम आउट ऑफ प्लेस, यानी उसे ये लगा कि ये जो देहाती पुरसकून जगह है यहाँ पे तो अलमी है या इस तरह के सानहात बहुत नामुनासिब से लगते हैं, क्योंकि पीसफुल जगह होती है ना, तो रेस्टफुल पुराम कंट्री साइड देहाती इलाका यहाँ पे जो अलमिया ट्रेजिडी सीम आउट ऑफ प्लेस नामुनासिब सी बात लगती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, आप हैरान हो रहे होंगे कि हमने अक्टूबर की सपैर को वो खिड़की क्यों खोल के रखी हुई है, सेड द नीस, भांजी ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रंट विंडो, इशारा करते हुए एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो जो कि ओपन थी ऑन टू अ लॉन, यानी किसी हैंड की तरफ ओपन हो रही थी उसको, आपको पता है फ्रेंच विंडो जो होती है बड़ी सी होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल दरवाजे की तरह ही होती है, आप समझ लें कि छत से लेके नीचे फर्श तक जो है ना तकरीबन होती है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो होती हैं दरवाजों की तरह, उनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं। तो वो कही थी कि आप हैरान हो लोगे कि हमने अक्टूबर की दोपहर को हमने क्यों खोल के रखी हुई है। तो अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल क्या कह रहे हैं, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, तो इस वजह से अब खुद ही कहना शुरू हो गए कि बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, क्या इस खिड़की का ताल्लुक उस अलमिये से जिसका जिक्र आप कर रही हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे तो यहाँ पे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है कि लेट्स सी छोटी बच्ची अब क्या कहती है, आगे क्या होने वाला है और इस विंडो का क्या ताल्लुक है, विंडो को क्यों खोल के रखा हुआ है। तो बेटे कोशिश क्या करें, जब कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको हमेशा से ऑथर जैसे आपको लेके जा रहा है उसको वैसे ही जाते जाते आप पढ़े, ठीक है, ऑथर के साथ चलाकियाँ करने की कोशिश नहीं करनी है खुद से, क्योंकि फिर आप उस राइटिंग का मज़ा नहीं ले सकते। तो जब भी कोई लिटरेचर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप राइटर की ऐनक पहन लिया करें और जो आपको वो दिखाना चाह रहा है आप बिल्कुल आंखें बंद करके वैसे वैसे देखते चले जाएं और उसको समझें, तभी आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, तभी आप उस राइटिंग के मेन सेंट्रल आइडिया को ग्रैस्प कर पाएंगे। अगर आपने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की बीच में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की तो फिर आप उस राइटिंग का मज़ा नहीं ले सकेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। जब आप उसका मज़ा नहीं ले सकेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए पूरा फुल कम्प्लीट सिनारियो बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हम आधी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, हम अपनी मर्जी का जवाब देने के लिए इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन सुननी है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है और इसको इन्जॉय करें इस सिचुएशन को, ठीक है, समझें कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं अभी हम और अभी हमें जो वो लड़की बात करेगी तो हम देखते जाते हैं वो अब नेक्स्ट आगे क्या बात बताएगी हमें इस खिड़की के बारे में। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago, to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here's the child's voice lost its self-possessed note and become faltering human. Poor aunt. Always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out
her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, "Bertie, why do you bound?" as he always did to tease her because she said it go on her nerves. Do you know? Sometimes on still, quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. She broke off with a little shudder. It was a brief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. जी तो अभी यहाँ पे कुछ मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स बेटे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ. मू गल्फ ट्रेचरस बॉग ड्रेडफुल फॉल्टरिंग डस्क टीज. तो मूर का मतलब होता है बेटे वीराना, ठीक है भैया, वो गैर जगह होती है. इनगल्फ मीन निगल लेना. ट्रेचरस नाकाबिल एतबार, यानी यकीन के काबिल ना हो जो. बॉग मीन दलदल. ड्रेडफुल मीन खौफनाक. पॉल्टरिंग हिचकिचाना, आवाज़ मतलब हिचकिचाहट आ जाना उसमें. डस्क जो शाम के टाइम हल्का हल्का धुंध हल्का होता है. एंड टीज मीन तंग करना. तो आज के दिन, अब ये कौन बता रही है, नीस, आज के दिन इस वाक़े को पूरे 3 साल हो गए हैं कि इस खिड़की से उनके हस्बैंड और दो भाई, यानी कि हस्बैंड के दो भाई यानी इनके देवर वगैरह, वो शिकार करने के लिए गए थे, ठीक है. वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, शूटिंग में शिकार करना. देने वो केम बैक और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे, ठीक है. और वो एक वीराने को क्रॉस करते हुए, उनकी फेवरेट जगह थी वहाँ पे, वो मुर्गाबियाँ परिंदों वगैरह का शिकार करते थे, स्नाइप शूटिंग, परिंदों का शिकार करने की जो जगह होती है, वो तीनों जो हैं उनको निगल लिया था नाकाबले यकीन तौर पर एक दलदल ने. वहाँ पर वो गर्क हो गए थे, उसमें वो डूब गए थे. और ये खौफनाक मौसम गर्मा की बारिशें थीं उस टाइम पर. अक्सर ऐसी जगह जो हैं जो वैसे आम दिनों में महफूज होती हैं, ठीक है, वो बाकी दिनों में बारिश की वजह से बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर किसी तंबीह के, अचानक से ख़तरनाक बन जाती हैं और वो दलदल में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ऐसे ही एक दलदल में वो भी धंस गए, ठीक है, कहने का ये मकसद है यहाँ पर. और इनकी लाशें भी नहीं मिल सकें, यानी इनकी लाशें भी जो हैं अभी तक नहीं रिकवर की जा सकें. और खौफनाक ज़्यादा बात ये थी, मतलब ये बताते हुए ये सबसे खौफनाक बात थी, ठीक है. और यहाँ पे जो है ना, उस बच्ची की आवाज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई और अपना अहतमाद उस ख़त्म हो गया और बिल्कुल ही एक आम इंसानियत से भरपूर एक आम इंसान की तरह, जो नॉर्मल कॉमन बंदे हैं उनकी तरह उसकी आवाज़ आना शुरू हो गई हिचकिचाहट से, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया इस बच्ची ने. यही शो हो रहा है कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, ठीक है. और उसके बाद अब वो थोड़ा सा तासुफ की बात बयान करी, यानी कि बेचारी जो चची जान या मेरी आंटी या खाला जो भी हैं, अगर तो ये भतीजी कंसिडर होगी या भांजी या जो भी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में हमारी यहाँ देसी ज़बान है, इसमें मुमानी, चची, ताई, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. वहाँ पे सिंपल एक आंट और अंकल का ही वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो किसी भी मीनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है. बेचारी चची जान यही या खाला जान यही सोचती रहती हैं कि एक ना एक दिन वो वापस आ जाएंगे, और वो भी वापस आ जाएंगे, और इनका छोटे से कद का एक स्पेनियल कुत्ता, स्पेनियल कुत्ता जो है शिकारी कुत्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है, कुत्ते की डिफरेंट नस्लें होती हैं उसमें से एक जो स्पेनियल्स भी होते हैं, उनका एक कुत्ता भी जिनके साथ ही गुम हो गया था, वो भी अचानक इस खिड़की से ही अंदर आ जाएगी. क्योंकि मैंने बताया खिड़की छोटी नहीं थी, फ्रेंच खिड़की थी जो कि नीचे तक थी, तो अक्सर लोग उसी खिड़की में से आना जाना कर लेते, ठीक है, जैसे कि उनकी आदत थी इसी खिड़की से आने की, ठीक है. और इसीलिए ये खिड़की जो है हर शाम को डस्क यानी अंधेरा पड़ने तक ही खुली रहती थी. और बेचारी खाला, एक दफ़ा उन्होंने भी बताया था कि वो किस रूप में बाहर गए थे, यानी अक्सर जिस बंदे को इस तरह का सानहा पेश आए तो अक्सर वो जिक्र करते हैं ना अपने प्यारों का, कि वो बताते हैं कि वो किस तरीके से बाहर गए थे. इनकी शोहर ने सफ़ेद रंग की, मतलब अब उसने स्केच खींचा है कि हस्बैंड ने किस हालत में बाहर गए थे, हस्बैंड का क्या हो लिया था. जब वो बाहर गए थे तो हस्बैंड जो उनके थे, शोहर थी, सफ़ेद बरसाती यानी रेनकोट पहना हुआ था, बाजुओं पे रखा हुआ था, ठीक है. और रूफी जो उनका सबसे छोटा जो भाई था, हस्बैंड का भाई जो था, वो गाना गाता था, बर्टी तुम क्यों बांधते हो, ठीक है, बर्टी वाई डू यू बाउंड. और ये गाना गा के चढ़ाया करता था अपनी भाभी को, यानी कि मिसेस सैपरटन को. और मिसेस सैपरटन जो है ना, वो टीज़ करना, तंग करना, तंग किया करता था. चढ़ाते हैं ना अक्सर छोटे जो फेवर वगैरह होते हैं, तो वो चढ़ाया करता था. और लेकिन मिसेस सैपरटन के साथ ही ये गाना सवार जाता था, तो उनको ये बहुत बुरा लगता था, ठीक है. तो मतलब वो सारी चीज़ें बातें जो है ना, वो अब वो बता रही है कि कौन क्या क्या हरकतें करता है, वो थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है और उस मामले को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है.
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बात की है। और फिर मज़ीद आगे कह रही है वही छोटी लड़की, क्या तुम्हें खबर है कि बाज़ औक़ात ऐसी ही जो इवनिंग होती है, ऐसी खामोश सी जो शाम होती है, मुझे लगता है कि इसमें मुझे क्रीपी सा एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि वो सब इस खिड़की से अंदर ही अचानक आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखने क्रीपी का मीनिंग जो होगा बेटे, सनसनी खेज, खौफजदा करने वाला, ठीक है, अजीब सा एहसास के, एक डरावना सा एहसास के मरे हुए लोग वापस इस तरह आ जाएं अचानक से, खौफजदा, अब ये खौफ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडा, तो अचानक से वो कपकपी के साथ अचानक से वो ब्रोक ऑफ यानी कि खामोश हो गई, शडर मीन कपकपी। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम विद अ वर्ल ऑफ अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। अचानक से दुकान की मदद जो है, अचानक से कमरे में दाखिल हुई उसकी आंटी और अचानक से बहुत ज़्यादा माजरतें करने लगी कि हम कहीं पे लेट आए तो हम बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ करते ना, वो सॉरी मैं यहाँ थी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे भी आंटी आके माजरत करना शुरू हो गई। और जो अचानक आंटी के आने से जो है ना वो बहुत पुरसकून हुआ उसको, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो गया, सुख और चैन मिल गया फ्रैम्पटन को, क्योंकि जो लड़की कहानी सुना रही थी उसकी वजह से उसके एहसाब मजीद तन रहे थे और मजीद जो है ना वो प्रेशर में आ रहा था फ्रैम्पटन नटल, जिस प्रेशर से वो शहर से भागा था वो उस प्रेशर का सामना उसको यहाँ बेचारे को करना पड़ गया। तो कुछ मीनिंग देखने बेटे, रिलीफ सुख आराम सुकून मिलना, ठीक है। और बसल मीन यहाँ पे जल्दी आना, तेज़ी से अंदर दाखिल होना। वर्ल्ड मीन यानी कि तूफान, एकदम से यानी बहुत सारी अपोलॉजीज माजरतें इकट्ठी करना शुरू होगी, सॉरी 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 इस तरीके से, ठीक है, अपोलॉजीज मीन माजरतें लेट होने के लिए इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तो यहाँ तक बेटे हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो है वो हम कल देखेंगे कि कल फिर आंटी ने क्या कहा और नेक्स्ट आगे सिचुएशन किस तरफ लेगी, किस रुख पे जाएगी। तो अभी तक आपके तीनों किरदारों से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, हम मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में भी जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, और उनकी हेल्थ के बारे में भी जानते हैं, सिचुएशन के बारे में भी हमें पता है, और हम इस छोटी बच्ची के बारे में भी पता है। और नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू शी सैड, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो लड़की का नाम क्या है, वीरा, ठीक है, जो 15 साल की बच्ची है बट बहुत कॉन्फिडेंट है, और उसने पहले तो टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बातें की, उसके बाद फिर उसने एक पूरी कहानी बना ली है, ठीक है। अब वो कहानी सच्ची है झूठी है या क्या है, और उससे उसको क्या मिलेगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो हम कल देखेंगे। और आखिरकार जिनके बारे में गायबाना बात हो रही थी, जिसके बारे में बहुत अजम्पशंस लगाई जा रही थी, वो लड़की भी जिनके बारे में बहुत सारी डिस्कशन कर रही थी, और वो बंदा खुद भी अपने दिल में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, जिनके घर में आया था, जिनको जानता नहीं था, बल्कि ये लेटर लेके आया था इंट्रोडक्शन का उनके लिए, मिसेस सैपलटन, ठीक है, वो भी आ गई हैं, ठीक है, वो भी एंटर हो गई हैं रूम के अंदर। और अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कहानी किस मोड़ पे जाती है और आगे हमें क्या नज़र आएगा, ठीक है। तो तीनों किरदारों से अब आपके आप रूशनास हो चुके हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन, वीरा एंड मिसेस सैपलटन। तो अब हम सिचुएशन का देखेंगे आगे किस तरफ जाती है। तो मुश्किल मीनिंग्स बेटे अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, कैसे सिचुएशंस के अंदर मुश्किल मीनिंग्स को इस्तेमाल करना है। और यहाँ तक अभी आपने ऑथर का जो हमने शुरू में जिक्र किया था बहुत ज़्यादा, कि जैसे वो एक स्ट्रेंज जो है विट क्रिएट करने का और एक्सेंट्रिक विट क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा मलका रखते हैं, और इसके अलावा आपको मकाबर भी नज़र आएगा यहाँ पर, जो कि मिस्टर फ्रैम्पटन की हरकतों से अभी आप देखेंगे आगे, ये कैसे खौफजदा करने वाला जो एक सिचुएशन है वो क्रिएट करना। तो और एक पंजेंसी भी थोड़ी सी नज़र आएगी आपको इस वीरा के कैरेक्टर में और इसकी हरकतों में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मिक्सचर जो आपके पास हेक्टर ह्यूमनरो जो साकी भी पेन नेम लिखते हैं, उनकी जो हमने राइटिंग में शुरू में पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको सारे मिर्च मसाले जो है ना इस स्टोरी के अंदर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ रहिए, तो अगले पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और देन आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसके अंदर जो पहले 5 हमारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं प्रोस के, पेपर के हवाले से कुछ गाइडलाइंस दूंगी कि पेपर में किस किस तरीके से आ सकते हैं, और पिछले कुछ सालों के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और आप उसको कैसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, उस पर होगा। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह ताला की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।